नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 जुलाई तक हिमाचल के स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। तो 31 जुलाई तक हिमाचल के स्कूलों में दाखिले चलेंगे। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 जुलाई तक दाखिलों की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जमा दो कक्षा तक दाखिले ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए जाएंगे। और देखिए, जो ऑनलाइन माध्यम से दाखिले जो नहीं करवा पा रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें स्कूलों में बुलाकर भी उनके दाखिले बुक जाकर करवा सकते हैं। तो फ़ोन से भी आप दाखिले करवा सकते हैं, और जो ऑनलाइन माध्यम से दाखिले नहीं करवा सकते, जिनको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वे माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में ले जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दाखिले करवा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पढ़ाई के साथ अब ऑनलाइन परीक्षाएं। स्कूल अध्यापकों को 15 दिन में लेसन पूरा कर लेने होंगे टेस्ट। तो देखिए, ऑनलाइन परीक्षा के साथ अब अध्यापकों को 15 दिन में आपके टेस्ट, जो भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से टीचरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन अब उनके टेस्ट भी होंगे 15 दिन के बाद। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी के साथ अब परीक्षाएँ भी होंगी। सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा को हल्के में नहीं लिया जाएगा। हर 15 दिन में क्लास वाइज छात्रों के सिलेबस पूरे करने होंगे। उसके बाद जो पढ़ाया गया है उसके साथ साथ में टेस्ट भी लेने होंगे, ताकि ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से छात्र जो पढ़ रहे हैं वे उनको समझ भी आ रहा है या नहीं, इस पर भी फोकस किया जा सके। गौर हो कि अब 13 जुलाई के बाद सरकार व शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन स्टडी को पहले से भी ज़्यादा सख्त कर दिया है। अब रोज शिक्षक, क्लस्टर शिक्षक, BRCC व उपनिदेशकों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि अब शिक्षकों को भी हर रोज हर घर पाठशाला की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टडी से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी। शिक्षकों को बताना होगा कि आज उनके साथ कितने छात्र जुड़े थे, वहीं कितना सिलेबस पढ़ाया गया, कितनी बार छात्रों के टेस्ट लिए गए। दरअसल अब 4 माह से भी ज़्यादा समय हो गया है जब छात्रों से शिक्षक सामने से इंटरेक्ट नहीं हो पाए हैं। इस वजह से शिक्षकों को ये समझना मुश्किल है कि वे छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं वे उन्हें समझ भी आ रहा है या नहीं, शिक्षक की गुणवत्ता में कोई फर्क ना पड़े, इस मकसद से ही सरकार ने ये फैसला लिया है। यानी कि अब हर 15 दिन के बाद छात्रों का ऑनलाइन हाउस टेस्ट भी लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में 5वीं पास को रोजगार का मौका, भरे जाएंगे 100 पद। तो देखिए, जे आपके लिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसी के लिए ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। वर्धमान इस्पात उद्योग बाथड़ी ने विभिन्न श्रेणियों में 112 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों में हेल्पर के 100 पद शामिल है, जिसके लिए 5वीं पास सहित इस्पात उद्योग में अनुभव होना जरूरी है। मेल्टर, फर्नेस और ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर के 2 पद हैं, जिसके लिए 10वीं के साथ 4 साल का इस्पात उद्योग में अनुभव होना अनिवार्य है। जबकि असिस्टेंट मेल्टर के 4 पद हैं, जिसके लिए 5वीं पास के साथ 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त बेल्डर और मैकेनिक एल फिटर के 2-2 पद शामिल किए हैं, जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास सहित ITI होना अनिवार्य है। तो इसके लिए देखिए, आप कहाँ अप्लाई करेंगे, तो जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के साक्षात्कार 20 जुलाई से 24 जुलाई को प्रातः 11 बजे से वर्धमान इस्पात उद्योग बाथड़ी में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साक्षात्कार में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र एवं इच्छुक पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। योग्य तथा इच्छुक केवल पुरुष आवेदक अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड सहित 20 जुलाई से 24 जुलाई को प्रातः 11 बजे वर्धमान इस्पात उद्योग बाथड़ी में उपस्थित हो सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दे रखा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो एक महत्वपूर्ण अपडेट हो सकती है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और रोजगार की तलाश में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल के प्राइवेट स्कूल्स को अब लिखित में देनी होगी फीस की पूरी जानकारी। तो देखिए, इसके पीछे मकसद क्या है, तो आपको पता है कि निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो ट्यूशन फीस में कई तरह के अन्य फंड भी जोड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए उन पर शिकंजा कसने के लिए, इस धोखाधड़ी पर शिकंजा कसने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो अब जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको लिखित में पूरी जानकारी देनी होगी फीस की, कि वो फीस जो ले रहे हैं उसमें क्या क्या उन्होंने शामिल, कौन कौन से फंड शामिल किए गए हैं, क्या जो सरकार ने निर्देश दे रखे हैं उसके अनुरूप ही वो फीस वसूल कर रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है, एक राहत देने वाली खबर है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करेंगे हम कोरोना वायरस की। सात जवानों डॉक्टर, देखिए सात जवानों डॉक्टर, तीन से व्यापारियों समेत हिमाचल में 40 कोरोना पॉजिटिव मामले पिछले कल देखने को आए। शुक्रवार को 8 जिलों में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा 10 मामले सिरमौर जिले में आए हैं। सभी गर्भवती पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। चंबा में डॉक्टर, दिल्ली से लौटे 4 पुलिस कर्मियों समेत 7, शिमला के ज्यूरी में आईटीबीपी जवान समेत 6, कुल्लू में 3, सेब व्यापारियों समेत 5, सोलन में 4, किन्नौर और कांगड़ा में 3-3 मामले सामने आए हैं। मंडी में दिल्ली से परिजनों के साथ आई 2 साल की बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं वलह के राजगढ़ में रात को एक और मामला सामने आया। संक्रमित मर्चेंट नेवी में सेवारत है और 7 जुलाई को हांगकांग से लौटा। संक्रमित को कोविड केयर सेंटर डांगसीदार में शिफ्ट किया जा रहा है। नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ले में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पंजाब से बारात आई थी। इसमें गर्भवती महिला और अब उससे 10 लोग संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। तो देखिए आज के जो कोरोना वायरस अपडेट है आपको बिल्कुल डिटेल में अब बताया जाएगा किस किस जिले के किस किस जगह से ये मामले सामने आए हैं। तो देखिए 10 लोग जो गर्भवती महिला के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं, इसमें महिला का पति, 2 बच्चे और 7 अन्य लोग हैं। चंबा के पॉजिटिव 4ों पुलिसकर्मियों का यात्रा इतिहास दिल्ली से जुड़ा है। 2 अन्य व्यक्ति किर्गिस्तान से लौटे हैं, जो शहर के हटनाला और जनसाली मोहल्ले से हैं और पेड क्वारंटीन में थे। डलहौजी में तैनात 28 वर्षीय महिला डॉक्टर भी संक्रमित पाई गई हैं। सभी को कोविड केयर सेंटर भालू शिफ्ट किया है। कुल्लू के आनी में उत्तर प्रदेश और बिहार के 3 से व्यापारियों समेत 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी क्वारंटीन थे। किन्नौर के पॉजिटिव 3 लोगों में 2 आईटीबीपी के जवान और 1 बीआरओ का झारखंड से आया मजदूर है। कांगड़ा के 3 पॉजिटिव मरीज दिल्ली और नोएडा से लौटे हैं। इसके साथ ही हिमाचल में संक्रमितों का अगर बात की जाए कुल आंकड़ा तो 1417 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मामले 382 हैं। अब तक 1011 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 40 और कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 9 की मौत हो चुकी है और 13 लोग राज्य के बाहर चले गए हैं। अब हम अंत में बात करेंगे मौसम विभाग की। हिमाचल में शनिवार से मानसून सक्रिय होगा। 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शनिवार और रविवार को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट है। सरकार से इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। 23 तक हिमाचल में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। शुक्रवार सुबह शिमला में मौसम साफ रहा, दोपहर बाद शहर में बादल बरसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तमाम जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य एकमात्र आपके लिए सिर्फ जानकारी लेकर आना है। कोई भी इधर उधर की न्यूज़, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़, कौन नेता क्या बयान दे रहा है, हमारी जो वीडियो रहती हैं उसमें जो भी कंटेंट रहता है वो आपसे जुड़ा हुआ रहता है, जिससे आपको किसी प्रकार की सुविधा हो या कोई ऐसे फैसले जो सरकार ने आपके लिए लिए हों, आपके उससे आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा होता हो, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह किसी और अपडेट के साथ।